रिन्यूएबल एनर्जी आपने वीडियो कमेंट बॉक्स में मांग ली, तो गोरा काम तो सीधा है, रिन्यूएबल एनर्जी बात करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा सेक्टर है जो वैसे तो पावरफुल है ही, और G20 के बाद तो इंडिया ने अपने आपको इतना पावरफुली कमिट किया कि रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा करने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आज सेक्टर के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बताऊंगा, सो दैट जब आप स्टडी करो आपको आसान हो जाए। और आपको रूल पता है ना, गोयला का काम क्या है, आपको रिसर्च फैक्ट्स और डेटा देना, आपका काम क्या है खुद स्टडी करके फिर डिसीजन लेना। चलो G20 a massive success। अब इस बार जो G20 समिट हुआ था ना, उसका बहुत सेंट्रल एजेंडा, बहुत सेंट्रल थीम किसके राउंड थी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, दुनिया को बचाना। देखो यार, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रही है, एनवायरमेंट को पोल्यूट मत करो, ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है। वेल, आई गॉट गुड न्यूज, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली ओवर, ग्लोबल वार्मिंग खत्म है। बैड न्यूज आती है कि अब ग्लोबल बॉइलिंग का फेज है। जुलाई 2023 वॉज द हॉटेस्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री, और अकॉर्डिंग टू क्वाइट सम रिपोर्ट्स, शायद हम एज अ ह्यूमन रेस बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी टू सेव अवर एनवायरनमेंट, बट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, सब इसमें एक्शन ले रहे हैं। और आपको पता है ना यार, आपका गोयला चाहे स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो, हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट ही है। आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ अस टुगेदर, हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा, कब निकलेगा कैसे निकलेगा पता नहीं, बट निकलेगा ही निकलेगा। और G20 समिट में भी इसी कारण बात हुई है। अब देखो यार, जो गोयला के चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं G20 के समिट का थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ, सो दैट उनके लिए भी आसान हो जाए, ठीक है। अब G20 में ये डिसीजन तो नहीं हो पाया कि फॉसिल फ्यूल यूजेज हम बंद कर देंगे, ये यूनानिमस नहीं हो पाया, बट जो डिसीजन हुआ और G20 के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया कि वर्ल्ड वाइड जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ना, उसको ट्रिपल होना पड़ेगा बाय 2030, मतलब सिर्फ 7 साल में ट्रिपल। और ये कहने की बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक एम्बिशियस टास्क है। अगर आप किसी फाइनेंसिंग देखोगे ना, तो हर साल पूरी दुनिया में हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे $5.3 trillion एवरी सिंगल ईयर, तब जाके जो हमारा टारगेट है ना टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 शायद कंप्लीट हो जाए। इंडिया था सर G20 का होस्ट, तो इंडिया ने तो अपने आप को बहुत ज्यादा रिकमिट किया है ऑन इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, एंड इंडिया पहले से ही काफी एक्टिव रहा है इन द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रंट। बहुत PLI स्कीम्स, बहुत गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑलरेडी आ चुके हैं, और आने वाले में टाइम में तो एक्सपेक्टेड है कि और भी आएंगे। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करोगे ना, और किसकी सबसे ज्यादा है, इंडिया का रैंक 4 आता है पूरी दुनिया में। विंड पावर कैपेसिटी में भी हम 4th नंबर पे आते हैं, सोलर पावर कैपेसिटी में भी हम 4th नंबर पे आते हैं, और सोलर फोटोवोल्टेक्स की बात करूंगा तो हम 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड। अब वीडियो में जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के आसपास बहुत यूज होते हैं, जो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दोस टर्म्स यू। जब एक्सप्लेन करूंगा तभी, जब आप खुद की रिसर्च करोगे इन स्टॉक्स पे तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे ना, तो उन टर्म्स के थोड़ा टाइम मैं और लूंगा, ठीक है। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट रहता है कि मैं वीडियो कॉम्पैक्ट और सुना, पूरी वीडियो देख के पूरा डेटा इकट्ठा करो, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट वीडियो बीच में मत छोड़ना, एंड तक प्लीज देखते जाना। अब सोलर फोटोवोल्टिक्स आप लगा लो सोलर सेल ही है, ठीक है, आप दोनों को सेम ही मान लो, टेक्निकल डिफरेंशिएशन है, बट एज ए इन्वेस्टर समझने के लिए, एज ए कंज्यूमर समझने के लिए, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, तो इनको आप सेम ही मान लो। दूसरी चीज आती है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जहां पे बस रन कर सकती है। हाइड्रोजन कैन फ्यूल अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर अस, व्हिच इज फैंटास्टिक। अब हाइड्रोजन ना बहुत कलर्स की होती है, टू बी स्पेसिफिक इन 8 टाइप के कलर्स की होती है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का कलर की डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन कैसे डिराइव हुआ है ना, उसके बेसिस पे कलर रखा जाता है। जैसे कि इंडिया में ग्रे हाइड्रोजन आ रहा है, बट हमारा टारगेट क्या है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। मतलब समझा रहा हूं, ये कलर का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये होता है कि वो हाइड्रोजन को डिराइव कैसे किया गया। अब हाइड्रोजन को कैसे डिराइव करते हैं, सिंपल है, वाटर है H2O, ठीक है, तो H2 को हम निकाल लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि पानी में इलेक्ट्रोसिस करी जाती है, जिससे मतलब वो मॉलिक्यूल टूट जाए और हाइड्रोजन अलग डिराइव हो जाए। अब इलेक्ट्रोसिस के लिए हीट चाहिए, तो पानी पे हम हीट डालेंगे, और अब क्वेश्चन वहां से आता है कि जो हीट आप पानी के लिए यूज कर रहे हो, जो एनर्जी आप पानी को इलेक्ट्रोसिस के लिए यूज कर रहे हो, वो एनर्जी कहां से आ रही है। अगर वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल की नेचुरल गैसेस से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रिन्यूएबल हाइड्रोजन है उसका सोर्स तो फॉसिल फ्यूल ही है, इट्स ग्रे हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि जो हाइड्रोजन ड्राइव हो रहा है, जिस पानी से ड्राइव हो रहा है, उस पानी के इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हुई है, लाइक सोलर विंड, इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दुनिया का टारगेट क्या है, वी वॉन्ट टू कलेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जैसे ड्राइव होता है उसके 8 और टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने पढ़ सकते हो, और कंपिंग एनालिसिस करने के लिए इतना आप समझ गए ना,
इट्स गुड इनफ। आप देख रहे हो ना यार, गोयला एक चीज नहीं छोड़ेगा कि आपको कंफ्यूजन बच जाए। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि दोस्त यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फुल्ली, और जब आप खुद कंपनी में रिसर्च करने उतरो आपका काम इजी से इजी। अब इंडिया का टारगेट ये है कि हमारे देश की जो 50% क्यूमुलेटिव एनर्जी है ना, 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से आए बाय 2030, सिर्फ 7 सालों में। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये एम्बिशियस टारगेट है। गवर्नमेंट का एम है कि वो 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ग्रीन हाइड्रोजन, सो दैट बाय 2030 5 मिलियन टन की प्रोडक्शन हो पाए और जो ग्रे हाइड्रोजन हमारे देश में क्रिएट हो रहा है उसको रिप्लेस करते हैं। और उसके बाद सोलो कुकटॉप्स की भी बहुत बात हो रही है कि अगले 2 से 3 सालों में 3 करोड़ घरों में हमें सोलो कुकटॉप्स चाहिए, सो दैट अगेन एफिशिएंट और हमारे देश का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। इंडस्ट्री का आइडिया पड़ गया। अब दोस्त उतरते हैं कंपनीज में। अब कंपनीज में बहुत सारी हैं, बट गोयला ने स्पेसिफिकली 3 कंपनी चूज की बिकॉज ये फंडामेंटली डिसेंट कंपनीज में आती है, दे आर रेप्यूटेड कंपनीज। तो अब मैं आपको बताऊंगा सारा फैक्ट्स, डेटा, हर चीज अबाउट दिस कंपनीज, और प्लीज खुद रिसर्च करके ही कंपनीज को खरीदना। और उसके पहले ना यार, हम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं टू मेक द वीडियो एज ब्रिलियंट एज पॉसिबल, बट उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे चैनल पे इतने व्यूज नहीं आ पा रहे, विच वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू इंप्रूव। बट अगर आप हेल्प कर पाओगे ना तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। इफ यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक जरूर दबाना सो दैट वीडियो को भी पुश हो, और जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लाइक करोगे ना, उतना ही वी कैन गेट गुड पेड कोलैबोरेशंस फॉर दिस चैनल, जिससे सबका बेनिफिट हो। सो इफ यू कैन डू दैट, वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो पहली कंपनी है दोस्त अपनी टाटा पावर। आई नो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बड़े एक्साइटेड रहते हैं और कंपनी है ही बड़ी एक्साइटिंग है, और टाटा है तो और भी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अब टाटा पावर का काम क्या है? टाटा पावर बिजली को जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। टाटा पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट दे वॉन्ट टू क्रिएट एनर्जी थ्रू कंप्लीट रिन्यूएबल सोर्सेज, एंड साथ ही साथ ये सोलर रूफ टॉप्स भी बनाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये तो सबको पता ही है कि टाटा पावर की ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आते हैं, जो इस कंपनी का टारगेट है दैट 2025 तक ये 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं। करंटली आप देखोगे तो टाटा पावर की 62% एनर्जी थर्मल से आती है और 38% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है। अब इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सो दैट ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, और प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के बाद जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ना वो होगा 51%। तो कंपनी सीरियस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दिख रहा है। अब ना थोड़ा डिटेल में और जाते हैं, तो शुरू करते हैं इनके सोलर बिजनेस से। ठीक है, अब टाटा इंडस्ट्रीज क्या है, इनका जो सोलर रूफटॉप का बिजनेस है ना उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये कंपनी ऑलरेडी 275 डिस्ट्रिक्ट में है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स, और बहुत टाइप के ऑफरिंग देते हैं, जैसे रेजिडेंशियल के लिए भी है, कमर्शियल के लिए भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, ओनर्स के लिए भी है, इंस्टीट्यूशन के लिए, स्मॉल कमर्शियल प्लेसेस, एमएसएमईज, सब के लिए। और साथ ही साथ ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये सोलर रूफटॉप की फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देंगे, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल देंगे, ईपीसी मॉडल देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो सोलर पैनल्स को सब इंस्टॉल कराना चाहते हैं, सबने सोचा है, और इस टाइप की सर्विसेज ना वो जो रेजिस्टेंस आती है टू ट्राई द सोलर टेक्नोलॉजी चलेगी नहीं चलेगी, वो रेजिस्टेंस कम होती है। और इतना ही नहीं है, इस कंपनी ने ना माइक्रो ग्रिड्स भी लगाना शुरू कर दिए हैं, और बहुत मेजर फोकस इसके लिए है रूरल इंडिया में। अब माइक्रो ग्रिड्स क्या होते हैं कि वो आपकी एनर्जी का सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज करते हैं, उसमें एनर्जी वेस्टेज कम से कम होती है, और मार्च 2021 तक ये 161 माइक्रो ग्रिड्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। और बहुत सारी सॉल्यूशंस आ रही हैं कि जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं उनको माइक्रो ग्रिड्स कैसे प्रोवाइड करें, और ग्लोबली माइक्रो ग्रिड्स में अपना फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। और अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं ना, तो Q1 FY24 में जो मेजोरिटी खर्चा किया जा रहा है टू इंक्रीज द कैपेसिटी is of renewable energy which is of 77%. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कंपनी सिर्फ अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही है प्रोडक्शन, ये कंपनी इनोवेशन में भी काफी काम कर रही है। जैसा देखोगे इनकी है वन टाटा पावर ऐप। अब इस ऐप को इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जा रहा है जहां पे इस ऐप के थ्रू एक बंदा जो उसकी फोटोवोल्टिक सेल्स लगी हुई है, जो सोलर सेल्स आप लगा लो, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकता है, कंप्लेंट करनी है, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है सोलर सेल की, वो सब एक प्लेटफॉर्म से कर सकता है, और उस ऐप में उसको सॉल्यूशंस हर प्रॉब्लम के मिलेंगे। और बेनिफिट क्या है, टाटा पावर को भी पूरा डेटा मिलता रहता है ऑन डिफरेंट साइट्स का कि उनके सेल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो एफिशिएंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो दे आर इनोवेटिंग व्हिच इज अ गुड साइन। और इनका ना एक एमओयू साइन हुआ है विद तमिलनाडु गवर्नमेंट जहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे 3000 करोड़ इन ग्रीनफील्ड 4 GW सोलर सेल प्लांट एंड 4 GW सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और यही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ना बैंगलोर में भी एक्सपेंड की जा रही है, जहां पे कैपेसिटी ऑफ सेल्स एंड मॉड्यूल में देखूंगा तमिलनाडु में होगी ऑफ अबाउट 530 MW एंड बैंगलोर में होगी ऑफ 670 MW। अब सर थोड़ी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली जाए, तो ये इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट। तो सबसे पहले चीज तो देखो कुछ चीज अच्छी है, डेट इनका कम हुआ है जो गोयला के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। इनका टोटल डेट 42,342 करोड़ से कम होकर हो गया है 37
13,749 करोड़, और साथ ही साथ इनकी नेटवर्थ भी बढ़ी है। नेटवर्थ पहले थी 27,024 करोड़, और अब हो गई है 34,642 करोड़, जिसके ऐसे डेट इक्विटी 1.55 से 1.09 हो गया। अब आइडियली डेट इक्विटी अगर 1 के नीचे होता है तो बाय द बुक बोलते हैं कंपनी इज गुड डेट वाइज। मैं प्रेफर करता हूं कंपनी का डेट होना चाहिए 0.5 के नीचे, बट अगर आप एक बुकिश ट्रेंड के हिसाब से भी जाओगे तो डेट इक्विटी एक्चुअली काफी अब अच्छी पोजीशन में आ रहा है। रही बात इस कंपनी की फ्यूचर प्लान्स की, फ्यूचर टारगेट्स की, वो देख लेते हैं। तो इनका टारगेट है दैट बाय 2025 इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होगी ऑफ 40-50%। बाय 2030 दे वांट टू पुश इट टू 80%, एंड बाय 2045 दे वांट टू पुश इट टू 100%। एज ऑफ नाउ ये 38% पर है। दूसरा गोल है कि बाय 2025 मतलब सिर्फ 2 सालों में दे वांट टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 22,500 मेगावाट। उसके बाद ट्रांजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए ये 15,000 सर्किट किलोमीटर्स अपनी रीच और बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक केबल्स की to reach out to 40 lakh customers, और capital expenditure sir is estimated to be around 75,000 crores, और ये primarily किस पे जाएगा, renewable energy portfolio ना उसको और better करने के लिए। अब company की sales growth over the past 3 years is 24%, profit growth over the past 3 years is 133%, ROE is 12.6%, ROCE is 12.4%, and debt equity currently is at 1.84। ये है company का graph जो हल्का सा range में चल रहा है। अच्छा, एक इसमें चीज होगी कि मैंने इस लिस्ट में सुजलोन को इंक्लूड नहीं कर रखा है। मैं जानता हूं बहुत लोग सुजलोन को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसको एडवांटेज भी मिल रहा है, बट सुजलोन इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपको सुजलोन पे अलग से वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करो सुजलोन वीडियो, 500 कमेंट, आई प्रॉमिस वीडियो आपकी। अब आते हैं सेकंड कंपनी में। ये कंपनी केपी ग्रुप की है। केपी ग्रुप का जो सोलर वर्टिकल है ना वो ये कंपनी संभालती है। मैं बात कर रहा हूं केपीआईटी ग्रीन एनर्जी। अब बिजनेस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो चीज होती है। सबसे पहले होता है IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जहां पे इनकी खुद की फैसिलिटी है, ये एनर्जी जनरेट करते हैं और फिर बेचते हैं, इनका प्रॉफिट उससे आता है। सेकंड जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है CPP, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, मतलब वो प्लांट किसी और के लिए सेटअप कर देंगे किसी और बिजनेस के लिए, और वो बिजनेस अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल कर लेगा। तो अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे ना तो 15% रेवेन्यू इनका IPP बिजनेस आता है, जहां पे ये बिजली खुद के अपने इनहाउस प्लांट से जनरेट करते हैं और अच्छे बिजनेस को बेच देते हैं, और इनका 85% रेवेन्यू आता है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से, CPP बिजनेस मॉडल से, जहां पे जिन्होंने भी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके लिए ये प्लांट डेवलप करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसका ग्रिड मेंटेन करेंगे, उसकी क्लीनिंग करते रहेंगे, डस्ट क्लीनिंग करते रहेंगे, मेकिंग श्योर कि वो प्लांट सबसे एफिशिएंट तरीके से एनर्जी निकाल रहे हैं, उसको OEM सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऑल इन ऑल उस प्लांट का ऑपरेशन मेंटेनेंस पूरा का पूरा KPIT संभालता है, और जो इन प्लांट से बिजली निकलती है ना, जो नॉर्मल डिस्कॉम्स जो आपको बिजली मिलती है, जो हमारे घर में डिस्कॉम से बिजली आती है, जो डिस्कॉम से बिजली आती है ना, उसके कंपैरेटिवली इनके प्लांट से जो बिजली जनरेट होती है वो कॉस्ट पर यूनिट में देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। और टीम की बात करूं तो सर एक्सपर्ट्स की टीम है, जहां पे एक्स इसरो साइंटिस्ट है, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, विजनरीज हैं, टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं, जो डिजाइन करते हैं, जो प्लांट को मेंटेन करते हैं, टू मेक श्योर कि प्लांट हमेशा सबसे ज्यादा एफिशिएंसी में काम करे। और क्वालिटी चेक्स इस कंपनी के बहुत सारे हैं। रही बात इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की, तो सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, ये रोबोटिक्स में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट रोबोट्स जो एक वाटरलेस वे से या कम पानी यूज करके इनके सोलर पैनल्स क्लीन करता रहे और मेंटेन करता रहे। उसके बाद 2025 तक इनका एक एम्बिशियस टारगेट है 1,000 मेगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करने का। ये अपनी एफिशिएंसी और बढ़ाना चाहते हैं बाय लार्जर कैपेसिटी सोलर पैनल्स, जिससे होगा क्या, जो इनकी कॉस्ट पर यूनिट है ना वो और भी कम आती रहेगी, मतलब इवन हायर एफिशिएंसी। मतलब इस कंपनी का जो मैं मेन पढ़ रहा हूं ना, मेन तो इनको बस एफिशिएंसी ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं एफिशिएंसी के अलावा। अब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल्स की। कंपनी का सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 122%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 157%, ROE is 53.4%, ROCE is 24.9%, debt equity is definitely quite high, 2.62 times। ये है कंपनी का ग्राफ, और रीसेंट टाइम में तो भाई ये ग्राफ ऊपर भागा है इनका। थर्ड कंपनी आती है लार्सन एंड टूर्बो, LNT। अब ये कंपनी एक MNC है। ये कंपनी इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में है। मतलब ये कंपनी इट्स ओनली नॉट रिन्यूएबल, LNT तो ऑलमोस्ट हर चीज कवर करता है। आप सेक्टर्स में देखोगे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में है, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट में है, पावर में है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है, डिफेंस में है, IT में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी है और इंटरनेशनल मार्केट में। अब रिसेंटली LNT ने पार्टनर किया था विद रिन्यू पावर, और ये पार्टनरशिप इसलिए थी कि जो इमर्जिंग हाइड्रोजन का बिजनेस है ना, याद है ना मैं आपको वीडियो को स्टार्ट में समझाता था ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन बिजनेस को टैप इन कर पाए, जहां पे LNT और रिन्यू पावर एक साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को
स्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और इनके टारगेट्स इतने बड़े हैं दैट दे वांट टू क्रिएट 2 to 3 million टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं इस बिजनेस पे, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑफ $4 billion। एंड अगेन, अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे ना, इट्स अ कंग्लोमरेट, मतलब एक बार इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं, ठीक है, इनका 46% रेवेन्यू आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, 32% रेवेन्यू आता है आईटी सर्विसेज से, 14% आ रहा है एनर्जी से, 4% आ रहा है फ्रॉम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से, और 4% आ रहा है अदर्स से। बट ये कंपनी इतनी बड़ी है ना कि इस कंपनी का 1% भी ना बहुत बड़ा नंबर है। एंड जस्ट टू शो यू कि कंपनी के नंबर्स कितने ज्यादा बड़े हैं, इट्स अनइमेजिनेबल। 31 मार्च 2023 को जिनकी ऑर्डर बुक थी ना, कितनी 4 लाख करोड़ की, 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक थी। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2 सालों में इनकी ऑर्डर बुक बढ़ जाएगी टू 5 trillion rupees, जहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70% जो ऑर्डर आएंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएंगे, 20% आएंगे वो एनर्जी से आएंगे। एंड FY24 में ये 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं इन देयर इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट एंड डेटा सेंटर। इलेक्ट्रोलाइजर बेसिकली जो पानी का इलेक्ट्रोसिस, मैं आपको बताया था ना कि वो वाटर को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन अलग होता है, तो जिससे इलेक्ट्रोसिस होता है वो इक्विपमेंट जो करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? अगर तभी भी डाउट हो, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को फिर 1.5x या 1.7x स्पीड के अलावा नॉर्मल स्पीड देखना, आपको दोबारा समझ आ जाएगा। बट जस्ट बी पेशेंट, इन टर्म से डर के ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। रिन्यूएबल सेक्टर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो खुद स्टडी करना तभी इन्वेस्ट करना, क्योंकि तभी फिर लॉन्ग टर्म टिक पाओगे, वरना टिक नहीं पाओगे। कंपनी बोल रही है कि FY24 में ये 12-15% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, और मार्जिन ये बोल रहे हैं वुड बी 8-9% बेटर देन FY23। अगर आप कंपनी के मार्जिन देखोगे तो उनके मार्जिन ना काफी स्टेबल है, बिटवीन 15-17%, विच इज क्वाइट नाइस। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी होता है क्या, जब बड़ा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बाई द इंडस्ट्री, बाई गवर्नमेंट, बाई प्राइवेट प्लेयर्स, तभी जाके कंपनी से एक L&T को धंधा मिलता है। और ओवर ऑल दीज ईयर कितने साइकिल्स ऊपर नीचे हो गए हैं, इनका 15-70% मार्जिन मेंटेन है, विच एक्चुअली इज क्वाइट हेल्दी। और डेट की बात करें, डेट काफी अच्छा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मार्च 2022 में 0.81 था, अब करते करते 0.58 आ गया है, विच इज अगेन वेरी गुड। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 2%, ROE इज 11.7%, ROCE इज 12.4%, एंड डेट इक्विटी इज 1.35। आप 2020 से देख लो सर, इस कंपनी ने ना बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। बट सेइंग दिस, मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि ये फेयरली वैल्यूड है या एक बबल है, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो से।